हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज़ नवीन त्रिवेदी और आप लोग देख रहे हैं पर्सनल ट्यूटर। हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं आइंस्टाइन इक्वेशन फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ या ना? बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। इससे पहले हम लोग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट समझते हैं थोड़ा बहुत, फिर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट समझने के बाद में हम लोग आइंस्टाइन की इक्वेशन को डिराइव करना सीखेंगे, है ना। देखिए कैसे बात करते हैं यहाँ पे, कि जैसे सपोज आपका एक मेटल सरफेस है यहाँ पे। मैं आपको आज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिप्रेजेंटेशन नहीं बता रहा, क्योंकि मुझे सिर्फ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टाइन इक्वेशन को डिराइव करना सिखाना है बस आपको। तो हम लोग फोटो करंट और वो पूरा डायग्राम नहीं बनाएंगे। जैसे सपोज ये एक मेटल सरफेस है आपका, और यहाँ से एक आपका फोटोन स्ट्राइक हो रहा है ना। फोटोन की एनर्जी होती है इक्वल्स टू एच न्यू। अब पहला काम देखो, मेटल सरफेस से सबसे पहला काम होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। और दूसरा काम होता है किसी स्पीड के साथ में वो इलेक्ट्रॉन भागेगा, है ना, किसी एनर्जी के साथ में भागेगा। तो एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि अगर काइनेटिक हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं उसके बारे में कि अगर किसी भी चीज़, कोई चीज़ मोशन में है तो मोशन में तब तक रहेगी, या मोशन में तब रहेगी कि जब उसके लिए जो एनर्जी जो पजेस कर रहा है वो एनर्जी रहेगी आपकी काइनेटिक एनर्जी। हाँ या ना? अब देखिए यहाँ पे कि इक्वल्स टू एच न्यू दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। पहला पार्ट है आपका इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, और दूसरा पार्ट है किसी स्पीड के साथ में उसको भगाने के लिए। हाँ या ना? चलिए, तो सबसे पहला काम, तो ये टोटल जो आइंस्टाइन ने बताया था ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, कि जो E इक्वल्स टू एच न्यू है दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। E इक्वल्स टू एच न्यू, तो एच न्यू डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। सबसे पहले लेकिन मैं आपको समझा दूं कि न्यू नॉट, जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस। क्या हो जाएगा, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट। अब जो सपोज E इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, E इक्वल्स टू होता है एच न्यू, तो अब ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी है तो इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू नॉट, और जिसको हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन, क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन आपका हो जाएगा मिनिमम एनर्जी रिक्वायर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस। देखो अब यहाँ पे जो एच न्यू है, तो पहला काम इसका हो रहा है, पहला काम हो रहा है इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना, पहला काम इससे हो रहा है इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना एच न्यू नॉट, प्लस दूसरा काम हो रहा है किसी स्पीड के साथ में इसको भगाना। हाँ है ना? ये हो जाएगा एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ है ना? अब यहाँ पे अगर देखो न्यू नॉट है, अगर ये न्यू नॉट है तो क्या हो जाएगा, सी अपॉन लेमडा नॉट। हाँ है ना? सी अपॉन लेमडा नॉट, तो लेमडा नॉट आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वेवलेंथ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या हो जाएगा, लेमडा नॉट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब ये हो जाएगा मैक्सिमम वेवलेंथ। क्यों मैक्सिमम, क्योंकि जितना न्यू छोटा होगा उतना ही ज्यादा लेमडा ज्यादा हो जाएगा, वेवलेंथ आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। हाँ या ना? अब ये एच नॉट, ये आपकी आइंस्टाइन इक्वेशन होती है, उसको हम लोग देखो कैसे यूज करेंगे। यहाँ पे एच सी अपॉन लेमडा कर दूं मैं यहाँ पे, और ये हो जाएगा एच सी अपॉन लेमडा नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ है ना? अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है आपका, काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, देखो एच सी अपॉन लेमडा माइनस एच सी अपॉन लेमडा नॉट। हाँ है ना? एक और, अब एच सी क्या निकल जाएगा आपका, देखो एच सी यहाँ से कॉमन निकल जाएगा एच सी, तो ये हो जाएगा आपका वन अपॉन लेमडा माइनस वन अपॉन लेमडा नॉट। हाँ है ना? ये आइंस्टाइन की इक्वेशन है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं आपसे, सिंपल से न्यू दे दे और आपको वेलोसिटी दे दे, न्यू नॉट पूछ ले, एच नॉट पूछ ले, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं उसके लिए। कि अगर आपको एनर्जी दी हुई है, जैसे सपोज है ना, अगर आपको सिर्फ न्यू दिया है, टोटल एनर्जी काउंट करने के लिए बोलते हैं इस फोटोन की, तो इस तरह से बहुत सारी अलग 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 एनर्जीज निकल सकती है। हाँ है ना? चलिए, तो ये हो गया, एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे कि जस्ट सपोज एक मेटल सरफेस है, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज दे रखी होती है, कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। कि देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपको जो सपोज किसी मेटल के लिए न्यू दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, न्यू दे रखा है 5 × 10⁻², 5 × 10⁻²। अब आप पे न्यू दे रखा है और आपको एनर्जी पूछी है ना, आपको पूछा है कि वन मोल फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, है ना, न्यू देके आपको पूछा है वन मोल फोटोन की एनर्जी कितनी होगी। क्या पूछा, वन मोल ऑफ एनर्जी ऑफ वन मोल
फोटोन, हाँ है ना। अब यहाँ पे ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच न्यू हो जाएगा। अब एच की वैल्यू क्या होती है, एच होता है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 2, हाँ है ना। चलिए तो इसके लिए आंसर निकल आएगा, इसके लिए जिसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो न्यू हो जाएगा, हाँ है ना। अब अगर ये तो निकली एक फोटोन की एनर्जी, क्या हुआ ये निकली आपकी एक फोटोन की एनर्जी, अब मुझे एक मोल फोटोन की एनर्जी चाहिए, तो एक मोल फोटोन की एनर्जी तो क्या होगा कि वन मोल ऑफ फोटोन कंसिस्ट दैट, वन मोल ऑफ फोटोन कंसिस्ट ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 फोटोन, वन मोल कंसिस्ट 23 फोटोन, हाँ या ना। अब एक मोल फोटोन की एनर्जी आपकी कितनी है, इतनी है, तो वन मोल फोटोन की कितनी हो जाएगी, तो इतनी हो जाएगी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 2, ये एक मोल फोटोन की एनर्जी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी एक मोल फोटोन की एनर्जी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपके डाउट है कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करें, और देखते रहिए पर्सनल ट्यूटर।